जनपद प्रयाग में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में 15 दिनों बाद 3 पैदल यात्री दर्शनों को पहुंचे। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात्रि को भारी बारिश के कारण केदार घाटी में जगह जगह भारी भूस्खलन के चलते सड़क एवं पैदल मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं शासन प्रशासन द्वारा केदार घाटी में युद्ध स्तर पर सड़क और पैदल मार्गों को ठीक कराने के लिए कार्य किया जा रहा है। वहीं 15 दिनों बाद 3 युवा यात्री बीते रोज 15 अगस्त को पैदल मार्ग से होते हुए श्री केदारनाथ धाम के दर्शनों को पहुंचे। यात्रियों ने बताया है कि प्रशासन द्वारा तेज गति से रास्तों को ठीक कराने के लिए मजदूर लगे हैं। पैदल रास्ता चलने लायक बना दिया गया है, मगर घोड़े खच्चरों के लिए कुछ दिनों बाद तैयार किया जाएगा। वहीं संबंधित विभागों द्वारा सड़क से लेकर पैदल यात्रा मार्ग को तेजी से ठीक कराया जा रहा है। इधर हेली से मौसम के अनुकूल लगातार यात्री केदारनाथ दर्शनों को पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड समाचार भी बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करता है कि मौसम जल्द सामान्य हो, जिससे यात्रा फिर से सुचारू हो सके। आप लोग आए कहां से हैं? हम दोनों हैं सिलीगुड़ी से, ये हरियाणा। और आप गौरीकुंड से, सोनप्यार से पैदल आए हैं? कब चले थे आज ही सुबह निकले हैं वहाँ से। रास्ता कैसा लगा आपको? रास्ता तो ठीक है, आदमी चलने लायक है फिलहाल, लेकिन घोड़ा खर्चे चल नहीं सकते है रास्ते में, एक जगह पे खराब है, आदमी चल सकते एक जगह पे खराब है। आपको क्या लगता है कितने दिन में बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा वहाँ पे? तो पूछा, बोला कि 2-3 दिन में बन जाएगा वो रास्ता, अगर वो रास्ता बन गया तो बस सब ठीक है। 2-3 दिन में सारा चल, अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए तो बाद में प्रॉब्लम नहीं है बाबा, बाकी सब ठीक है वही सब अच्छा। बाकी अभी जब जो रास्ते में आपको चाय पानी का दुकान वगैरह कुछ मिला क्या? मिला लेकिन बहुत कम मिला, ज़्यादातर दुकान बंद है फिलहाल। ज़्यादातर दुकान बंद है अभी। आपने तो आपदा की बात में 21 तारीख को दिखाया, उसके बाद में आप पहले 3 लोग हैं कि जो पैदल आए थे सोनप्यार से। अच्छा, पैदल यात्री तो बने हैं हम तीनों, पहले प्रथम उसमें आप आए ये डिजास्टर आने के बाद में। तो सरकार ने अच्छा काम किया क्या इतने कम दिन में? बहुत अच्छा काम किया, बहुत है सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जितना हुआ है ना खाए खती जितना हुआ है इतना कम दिन में बनाया है रास्ता, वो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ हम लोग रास्ते में आते थे जितना देखा कि खतरों बहुत ही खतरा खतरा रास्ता था, डेंजर डेंजर, लेकिन जो बनने में बहुत टाइम लगता था लेकिन वो बहुत ही कम समय में बन गया। तो अभी काम गति से चल रहा है क्या रास्ता? जी बिल्कुल, सब जगह लेवल लगी है, सारी जगह अपना लेबर काम कर रही है। हाँ, सारी जगह पे लेबर लगा हुआ है, जगह जगह पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ था। बाकी आगे क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता है क्या अच्छा हो और अच्छा क्या होना चाहिए? और अच्छा क्या, बाकी सब तो ठीक है, अगर रास्ता बन गया अब तो यात्री लोग भी आ सकते हैं, दुकानदार लोग भी। तो रास्ता तो आप बता रहे ना, रास्ता तो बनी गया, तो बन आप जब पैदल आए तभी, जब रास्ता बना तभी तो पैदल आए, वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सावधानी को चलना है। तो सरकार सरकार को क्या बोलेंगे आप यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, क्या बोलेंगे? बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हम लोगों को आज 15 अगस्त दिन में, इस दिन में स्वतंत्रता के दिन में हम लोगों को आने, 15 अगस्त है, श्रावण मास की एकादशी है, बहुत अच्छा दिन है आज, वही दोबारा का दिन, गुरुवार भी है, गुरुवार भी है, आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, एनडीआरएफ वाला था, किसी ने रोका नहीं आपको? रोका था, एक दो जगह पे रोका था, जान पूछा लेकिन जाने से रोका, जाने से नहीं रोका। तो आप सरकार से बहुत समय में अच्छा काम किया है सरकार ने, वो तो संतुष्ट होना ही है हर सबको। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब कोई दिक्कत हो रहने की खाने की आप चलिए, दिक्कत हो तो आप बताइए, हम मंदिर में आ रहे हैं। ठीक है, सारी हर हर महादेव, हर हर महादेव।